नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर रखी है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम तीन चैप्टर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने किया था परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा टाइम एंड वर्क, और चौथा चैप्टर आपका चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और बीच में मैंने टेलीग्राम के ऊपर टारगेट गवर्नमेंट जो टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दिए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वहां पर हो चुका है। अगर वो वीडियो आपने देख ली है तो आपको क्लियर है। अर्थमेटिक जैसे ही खत्म होगा एडवांस स्टार्ट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। और जो भी बच्चा ये वीडियो देखना स्टार्ट करता है वो लास्ट तक जरूर देखा करो भाई, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फिर आप ये कहोगे कि सर हमने तो वीडियो देखी नहीं थी और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हमसे हुआ नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन देख लोगे और एक बार उसको कर लोगे तो आपका आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। बच्चे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भी। वहां पर आपको 25 क्वेश्चन डेली हरियाणा जीके या इंडिया जीके के मिलते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप वहां से ज्वाइन करके टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। और वीडियो का लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा डेली, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता। बाकी आप बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाएगा। और एग्जाम से पहले पहले हम सिलेबस खत्म कर लेंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन कहता है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 6 गुना अधिक है। अगर आप फादर और सन की उम्र का रेशो देखते हो तो अगर इसकी 6 वर्ष है तो इसका 1 वर्ष होगा, ठीक है, 6 गुना ज्यादा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुना होगी। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 4 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना होगी, ये बोल रहा है, ठीक है। इस वर्ष पिता और बेटे की उम्र वर्ष में लगभग कितनी है ये आपको बताना है। तो हमने कहा था यहाँ से डिफरेंस अगर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 का है यहाँ पर 2 का है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हम देखते हैं, ये कितने का है, 5 का है, और ये कितने का है, ये 3 का है। तो यहाँ वाला डिफरेंस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास नए रेशो आएंगे वो कितना होगा, 6 3 18 और 3 1 3, इधर कितना होगा, तो 5 4 20, 5 1 5। अब डिफरेंस हो गया ना सेम, यहाँ भी 2 का है यहाँ भी 2 का है, लेकिन कहता क्या है कि 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 वर्ष बाद बोला है ना, तो 4 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई। अब इसने पूछा क्या है, तो इस वर्ष पिता और बेटे की उम्र कितनी है, तो ये था ना वर्तमान 18 और 3 वाला। तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 18 की वैल्यू 36, 3 की वैल्यू 6, ठीक है। तो 6 और 36 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, क्या कहता है देखो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, हाल ही में तुम्हारी जितनी आयु है उतनी तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी। यदि पिता की हाल ही में आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, ये आपको बताना। सीधी सी बात है बच्चे कि अब उसके पिता की उम्र 38 वर्ष है और ये कह रहा है कि हाल ही में जो तुम्हारी उम्र है वो तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी। तो सीधा सब सीधी सी बात है कि इसका हाफ कर देंगे 19, क्यों, क्योंकि उसके जन्म के समय उसके पिता की आयु कितनी रही होगी, 19 रही होगी। और अभी अगर वो लड़का 19 साल का हुआ है तो उसका डबल हो गया होगा ना पिता, तो कितना हो गया होगा, 38 साल का। तो अभी उसके बेटे की उम्र कितनी रही होगी, तो 19 साल रही होगी, क्यों, क्योंकि जन्म के 19 साल के बाद में वो 38 साल का हुआ तो वो 19 साल का हो गया। तो इसने पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूरा निकालना है, तो 19 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा 14 ईयर, ठीक है, 14 वर्ष। दो संख्याएं 6:9 के अनुपात में यदि बड़ी संख्या 324 है,
ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है? 324 है। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है? तो 9 है। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 324 है। 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9 3 27, 9 6 54, 1 की वैल्यू 36 आ गई। इसने पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या कितनी होगी? तो 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 × 36 करोगे कितना आएगा? 216 आएगा। वही आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी। अगर ये 3 थी तो ये 1 है। ठीक है, यहां से 10 वर्ष बाद, यानी यहां से का क्या मतलब है कि ये अगर वर्तमान है तो इसके 10 वर्ष बाद, यहां से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, यहां से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। ठीक है, अब रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 0 का है। तो यहाँ से 2 का आ रहा है, यहाँ से 1 का आ रहा है। 1 को मल्टीप्लाई करने से तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 से करेंगे ना, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस कितने का आया? 3 से हो गई 4, 1 से हो गई 2, यानी 1 का डिफरेंस। और ये 1 का डिफरेंस क्या कह रहा है? 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, यहाँ से वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष लगेंगे और वर्तमान से 10 वर्ष आगे जाने के लिए 10 वर्ष लगेंगे। टोटल कितना हुआ? तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 20 वर्ष है, और यहाँ से यहाँ का रेशियो में डिफरेंस 1 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो इसने पूछा है उनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 60, और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20। ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी होगी? तो 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगी, और इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगी। तो रेशो में निकालोगे तो 7:3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7:3। तो यही आपका आंसर होगा बच्चे, डी ऑप्शन। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करें। आपको दिया है यहाँ पर 2/3 और 3/5। सिंपल सी अगर चीज़ आपको समझनी है तो आप ये क्या करो, आप संख्या मान लो, क्या मान लोगे? तो 3 और 5 का एलसीएम मान लो कितना होगा, तो 15 होगा। हमने मान लिया संख्या 15 है, संख्या का 2/3 निकाला, कितना आएगा भाई? तो 10 आएगा। और संख्या का 3/5 निकाला तो कितना आएगा? तो 3 पे कटेगा, 9 आएगा। ठीक है, यहां से यहां डिफरेंस कितना है? तो ये तो कह रहा था कि 4 अधिक होगी, लेकिन यहां से यहां डिफरेंस कितना है? 1 का है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसने पूछा संख्या क्या होगी। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो संख्या हमने क्या मानी है? 15 मानी है। तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? तो 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन से करना चाहोगे तो जब आप ऑप्शन उठाओगे, आपने 60 उठाया, उसका 2/3 निकाला, कितना आएगा? 20 पे कटेगा, 40 आएगा। और 60 का जब 3/5 निकालोगे तो 12×5=60 होता है, 12×3=36, तो 40 कितना ज्यादा है? 36 से 4 ज्यादा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8, 21, 13 और 31 के साथ कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वे समानुपात में हो? 8, 21, 13 और 31 के साथ कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि समानुपात में? समानुपात का मतलब क्या है कि पहली संख्या a अपॉन b बराबर होनी चाहिए c अपॉन d के। पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या बराबर हो तीसरी संख्या बटे में चौथी संख्या। ठीक है, तो हम जोड़ के देख लेते हैं। अगर आप 8 में ये 4 जोड़ते हैं सब में तो क्या होगा? 8 और 4 = 12 बटे में 21 और 4 = 25। दूसरा क्या होगा? 13 और 4 = 17 बटे में 35। तो क्या ये इक्वल हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 जोड़ के देखते हैं, 8 और 5 = 13 बटे में 21 और 5 = 26, 1/2 आ रहा। ठीक है,
13 और 5 18, 31 और 5 36, 1/2 18, तो ये बराबर होगा। तो क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त नोटबुक का बराबर में वितरण हुआ, प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु से 1/8 भाग की नोटबुक मिली। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को उसकी संख्या, उनकी संख्या से 1/8 भाग नोटबुक मिली। हमने मान लिया कि एक्स बच्चे थे क्लास में, ठीक है, और 1/8 भाग नोटबुक मिलती है एक बच्चे को, तो एक्स 8 होगा ना, उनकी संख्या से 1/8, यानी एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलेगी, एक्स 8, इतने बच्चे हैं, एक बच्चे को मिलती है एक्स 8, तो ये क्या होगा, ये टोटल नोटबुक आ जाएगी ना, कि इतनी नोटबुक बांटी गई होगी। दूसरी लाइन क्या कहती है, अगर बच्चों की संख्या आदि कर दें, अगर बच्चों की संख्या आदि कर दें, यानी अब बच्चे कितने होंगे, x बटे में 2, ठीक है, तो हर बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है, तो हर एक बच्चे को कितनी मिलती है, 16 नोटबुक, तो ये भी क्या होंगी, x बटे 2 बच्चे होंगे तो हर बच्चे को 16 नोटबुक मिलेगी, तो ये भी तो टोटल नोटबुक आई ना, ये भी टोटल नोटबुक है और ये भी टोटल नोटबुक है, तो दोनों को इक्वल कर दो, x से x कटेगा, ये 8 पर कटेगा, x बराबर कितना आ गया, 64। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो कुल कितनी नोटबुक का वितरण हुआ, ये आपको बताना है, कोई भी एक लाइन उठा सकते हो आप, कि जी अगर x की वैल्यू 64 है, यहां से ये इक्वेशन उठाओगे, x की वैल्यू 64 है तो हर एक बच्चे को उसकी संख्या के, यानी 64 के 1/8 करें, उतनी नोटबुक मिलती है, तो ये 8 पर कटेगा और 64 8 कितना होगा, 512 होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से करना चाहोगे तो इससे भी सेम आंसर आएगा, अगर x की वैल्यू 64 है तो उनसे आधा कर दें तो हर बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है, तो यहाँ से कितने पे कटेगा, 32 पे, 32 को 16 से करोगे कितना आएगा, 512, तो आंसर वही आना है आपका, नोटबुक कितनी, तो नोटबुक 512। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए 1360 एबीसी में इस तरह से बांटे जाते हैं कि ए को बी का 2/3 गुना मिलता है, ए को बी का 2/3 गुना, यानी अगर हम निकालें ए अपॉन बी तो वो कितना आएगा, 2/3 आएगा, और बी को सी का 1/4 गुना मिलता है, बी को सी का 1/4 गुना, तो अगर हम निकालें बी अपॉन सी तो 1/4 आएगा, तो ये कह रहा है तो बी को क्या मिलेगा, ये आपको बताना है, तो ए बी और सी का रेशियो निकाल लो कितना आएगा भाई, तो ए बी का रेशियो है 2:3 और बी और सी का रेशियो है 1:4, तो यहाँ पर लिखोगे 3, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि क्यों लिखते हैं, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2:3 और ये कितना, 12। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब इनका टोटल कर लेना है, 12 और 3 15 और 2 17, 17 की वैल्यू कितनी है, 1360 है, तो 17 8 कितना होगा भाई, 80 और 56 136, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। इसने पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी को क्या मिलेगा, तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, गुना में 3 कर दो, 80 गुना में 3 240, तो 240 रुपए किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। ठीक है, अब किसी का भी हिस्सा निकालना हो आपको 80 से मल्टीप्लाई करनी है, सी का निकालना हो तो 12 गुना में 80 कर दो, और ए का निकालना हो तो 2 गुना में 80 कर दो, ये हो जाएगा 160, 12 8 96, ये हो जाएगा 960। ठीक है, तो जिसका भी हिस्सा निकालना हो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच अनुपात कितना है, 2:3 है, 5 नए विद्यार्थी कक्षा में आते हैं, उनमें ये कितने विद्यार्थी लड़के, जिससे लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5 हो,
उनमें कितने विद्यार्थी लड़के होने चाहिए कि उनका अनुपात 4:5 हो जाए। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, पहले 40 थे, अब 5 और आ गए, कितने हुए 45। रेशियो में टोटल कितने हैं 9, यानी 9 की वैल्यू कितनी 45, 1 की वैल्यू कितनी 5, तो 4 की वैल्यू कितनी 20, 5 की वैल्यू कितनी 25। पहले अगर देखें जब 40 विद्यार्थी थे तो रेशो कितना था 2:3 का, टोटल कितने थे 40, यहाँ से टोटल कितने 5, तो 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 16 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 24 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले लड़कियां कितनी थी 16 थी, अब लड़कियां कितनी है 20 हैं, तो कितनी लड़कियां आई होंगी 4। ठीक है, पहले लड़के कितने थे 24 थे, अब लड़के कितने हैं 25 हैं, तो लड़के कितने आए होंगे 1 आया होगा। तो यही पूछा है कि कितने लड़के होने चाहिए उनमें कि उनका रेशो 4:5 हो जाए, तो 1 लड़का होना चाहिए, 4 लड़कियां होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिता की आयु उनके 6 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना उनके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगा। अब 15 वर्ष बाद बोल रहा है बच्चे, तो 15 वर्ष में क्या होगा, हर एक बच्चे की उम्र कितनी बढ़ेगी, 15 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 6 बच्चों की उम्र कितनी बढ़ेगी 90 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 15 वर्ष के बाद में 2 गुना हो जाएगा, तो अगर 2 गुना होने के लिए 90 बढ़ रहा है तो पहले 90 रहा होगा ना, पहले अगर 90 वर्ष उम्र रही होगी तो 90 और बढ़ने से अब 2 गुनी हो गई होगी। ठीक है, बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो 15 वर्ष बाद कितनी होगी भाई, तो उनके 2 गुनी हो जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहोगे तो भी हो जाएगा ऑप्शन से, अगर आपने पिता की आयु 60 मानी, 60 मानते हो तो 6 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो हर एक बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी 10, और 15 वर्ष के बाद में क्या होगा, तो हर एक बच्चे की आयु 25, और इनकी क्या हो जाएगी, तो इनकी आयु भी 15 वर्ष बढ़ेगी ना, तो 2 गुनी तो नहीं हो पाएगी, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 90 आ जाएगी। बाकी तो कोई 6 से डिवाइड होने वाला भी नहीं है ना, 50 और 45 तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो क्या होगा 90 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो ये था अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जो बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।